हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का चाणक्य जी एस पर स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वायुमंडलीय दाब क्या होता है, इसे हम जानेंगे। तो वायुमंडल के विभिन्न परतों द्वारा जो भी दाब लगता है उसी को ही जो है कहा जाता है, उसी को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जैसे हम इस फिगर डायग्राम के द्वारा इसे हम समझ सकते हैं। जैसे ये बहुत सारे परत हो गए, ये जैसे एक परत हो गया, ये दूसरा परत है, ये तीसरा परत है। तो ये जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था वायुमंडल के विभिन्न परतों के बारे में, तो यही सारे जो है परत, इन्हीं के द्वारा जो भी दाब लग रहा है, यहाँ पी से प्रेशर है, तो प्रेशर लग रहा है जो भी हमारे सतह पर, सरफेस लेवल लिखा हुआ है, तो सतह पर जो भी दाब लग रहा है वायुमंडल के परतों के द्वारा, तो उसी को हम कहते हैं, यही कहलाता है वायुमंडलीय दाब। अब आगे बढ़ते हैं। यह पृथ्वी के समस्त वस्तुओं पर लगता है। जितने भी पृथ्वी पर वस्तु हैं, जितने भी चीज़ें हैं, सभी पर जो है, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो, या सभी पर जो है वायुमंडलीय दाब जो है वह जो है देखा जाता है। अब आगे है नेक्स्ट पॉइंट में। सबसे ज़्यादा वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर होता है, जो सी लेवल होता है उस पर जो है सबसे ज़्यादा जो है वायुमंडलीय दाब जो है वह लगता है। नेक्स्ट अब है, समुद्र तल से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब में कमी आ जाती है। अगर हम समुद्र तल से जैसे जैसे ऊपर अगर जाएंगे, तो वैसे वायुमंडलीय दाब में जो है वह नीचे जो है नीचे होते जाएगा, उसमें डिक्रीमेंट देखा जाएगा, जैसे अगर हम इंक्रीज करते हैं हाइट को जो है समुद्र तल से। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट, यानी कि वायुमंडलीय दाब जो है वह ऊंचाई के असमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसे बैरोमीटर से नापते हैं। आखिर तो इसे तो किसी भी चीज़ से, अगर प्रेशर है तो उसे किसी भी चीज़ से तो नापा जाएगा, तभी पता चलेगा कि वहाँ कितना प्रेशर लग रहा है। तो उसी के लिए जो ये मशीन बनाया गया है, तो उसे ही हम कहते हैं बैरोमीटर। तो ये वायुमंडलीय दाब को जो है इसे बैरोमीटर से मापते हैं, और जिसे समुद्र तल पर लगाया जाता है उसे मतलब कहीं भी हम नहीं लगा देंगे, कहीं भी अगर हम लगाएंगे तो हमें एक्यूरेट जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें नहीं पता चलेगा। तो इसे जब भी लगाया जाता है तो समुद्र तल के पास लगाया जाता है, सी लेवल के पास लगाया जाता है। इसे इसमें पारा भरा होता है, पारा यानी मरकरी वह जो है इसमें जो है भरा होता है, वही जो है ऊपर नीचे होता है, तो उसी से हमें जो है पता चलता है कि यहाँ पर कितना प्रेशर है। आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप जरूर जो है कमेंट में जरूर जो है बताएं। अब आगे है, बैरोमीटर के दो प्रकार हैं। बैरोमीटर भी दो प्रकार का होता है। तो पहला होता है एंड्राइड बैरोमीटर, जिससे जो है ऊंचाई का जो है हम ऊंचाई के लिए प्रयोग करते हैं एंड्राइड बैरोमीटर को, और दूसरा है 14 बैरोमीटर। तो इसका प्रयोग हम करते हैं 14 का प्रयोग करते हैं हम भविष्यवाणी के लिए 14 बैरोमीटर का प्रयोग हम करते हैं मौसम भविष्यवाणी के लिए करते हैं। यही जो है दो तरह के होते हैं। ये इमेज में देख सकते हैं आप, यह है एंड्राइड बैरोमीटर पहला, और दूसरा है 14 बैरोमीटर। तो ये देखिए, यह है इमेज 14 बैरोमीटर का। ये जो है आपको जो है ये पतला दिख रहा होगा, ये जो है ये लंबा होता है, और वो जो हमने एंड्राइड बैरोमीटर देखा तो वह है घड़ी की तरह होता है वह। अब कुछ स्पेशल केस हैं बैरोमीटर से संबंधित, जिसे हम देखते हैं। तो पहला केस है, यदि बैरोमीटर का पारा अचानक गिरा तो चक्रवात, साइक्लोन, अगर अचानक गिर जाता है जो वह सडन जो है नीचे चला जाता है, उसका जो पारा जो मरकरी उसमें भरा हुआ होता है वो अगर नीचे चल जाए तो वो जो है वहाँ पर चक्रवात जो है वह आता है, जो है वह चक्रवात को जो है बताता है कि चक्रवात जो है वह आने वाला है यहाँ पे, जिस जगह पर वो वहाँ पर लगाया जाएगा तो वहाँ पर चक्रवात जो है वह होने की जो है वह संभावना को जो है बताएगा। अब केस टू है, धीरे धीरे अगर पारा जो है धीरे धीरे गिरता है, गिरने पर वर्षा होता है। अगर धीरे धीरे पारा जो है नीचे की ओर जाएगा तो जो है वह वर्षा को सूचित करता है कि वहाँ पर रेन जो है वह हो रहा है उस जगह पे। और लास्ट केस है केस थ्री,
तो यदि पारा ऊपर उठने लगे, अगर वह धीरे धीरे ऊपर उठने लग रहा है, तो यानी कि वो बताएगा कि मौसम साफ है, मौसम जो है एकदम क्लियर जो है कि वेदर क्लियर वेदर है वहाँ पर। यही जो है तीन केस है बैरोमीटर से संबंधित। अब आगे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10 वायुमंडलीय दाब बराबर 1013.23 मिली बार। इतना जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर जो है यह वैल्यू होता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही जो है हम यहाँ वैल्यू जो है यह लिखे हुए हैं। तो होता है इतना ही जो है इतना ही होता है 10.13 बोल सकते हैं 2-3 मिली बार। और जो है एक वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 76 सेंटीमीटर Hg। इतना ये दोनों वैल्यू होता है। एक ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शॉर्ट में ATM बोला जाता है। एक ATM बराबर ये दो वैल्यू होगा 1013.23 मिली बार और 76 सेंटीमीटर Hg। Hg मतलब यहाँ पर है मरकरी से यहाँ पर मरकरी से जो है रिलेशन है Hg का मतलब मरकरी यहाँ पर होगा। अब नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट है प्रत्येक 600 फीट ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब में 3.4 मिली बार की कमी जो है वह आती है। अगर हम जैसे जैसे ऊपर मतलब 600 फीट अगर हम ऊपर चले गए नीचे सतह से जो है हम अगर 600 फीट अगर ऊपर चल जाते हैं तो जो है वायुमंडलीय दाब में 3.4 मिली बार का जो है वह कमी जो है वह देखा जाता है उसमें कमी आ जाता है। क्योंकि हम पढ़े ही हैं ऊपर में कि एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइट के। इसलिए जो है अगर हम ऊपर जितना अगर बढ़ेंगे तो जो है हमारा जो वायुमंडलीय दाब है उसमें कमी भी आएगा। जैसे जैसे अगर हम हाइट को अपना बढ़ाएंगे वैसे वायुमंडलीय दाब भी जो है उसमें भी कमी जो है होता है। तो यही इस पॉइंट में जो है कहा गया है। ये था दोस्तों वायुमंडलीय दाब को लेकर पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जहां हम वायुमंडलीय दाब की पेटियां एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।